तो देखो बीच में काफी सारा ऐसा न्यूज आ रहा था कि भाई गाड़ियों के साइलेंसर काफी ज्यादा चोरी हो रहे हैं, साइलेंसर की चोरियां बढ़ गई है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, लोग साइलेंसर तक क्यों चोरी कर ले रहे हैं, बताता हूं मैं आपको इस वीडियो में। देखो साइलेंसर जो है वो मेन चीज नहीं है चोरी के लिए, साइलेंसर में एक ऐसी चीज लगी हुई है जो अपनी तरफ चोरों को ज्यादा खींचती है और चोरियां उसकी वजह से ज्यादा होती है, उसका नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये क्या चीज है छोटा सा आपको छोटे में बताता हूं। देखो जो हमारा इंजन होता है, इंजन के अंदर से कंबशन होने के बाद बहुत ज्यादा गैस निकलता है या फिर जो एग्जॉस्ट होता है वो निकलता है, वो कैसे बाहर आता है, एक पाइप के थ्रू एकदम पीछे तक जाता है और पीछे से हवा निकल जाता है बाहर। तो ये जो एग्जॉस्ट का पाइप होता है इसके बीच में लगाया जाता है एक कैटालिटिक कन्वर्टर या फिर एक बक्सा टाइप का लगाया जाता है और पाइप उसी के थ्रू जो है वो जाता है। ये कन्वर्टर क्या करता है, जो हमारे इंजन से हार्मफुल गैस निकले हैं उसको ये चीज कन्वर्ट कर देता है, उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके उसको एक नॉन हार्मफुल गैस में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि पोल्यूशन इतना ज्यादा ना हो। अगर कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं होगा तो एक गाड़ी लगभग 5-6 गाड़ियों जितना वो पोल्यूशन हवा में फैलाएगा, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैटालिटिक कन्वर्टर का। अब कह सकते हो भाई ये तो नॉर्मल से चीज है तो इसको चोरी करने के पीछे क्या रीजन है, हो सकता है इसको अपने गाड़ी में लगा लें कुछ लोग। नहीं, उसका रीजन वो नहीं है, उसका चोरी का रीजन ये है कि कैटालिटिक कन्वर्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेटल्स लगे होते हैं जिसको बेच के अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। उसमें लगे होते हैं ऐसे मेटल जैसे कि जिसका नाम है पैलेडियम, प्लैटिनम, रोडियम, ऐसे महंगे मेटल्स। अब इनका महंगाई अगर मैं कहना चाहूं तो कुछ कंपनीज अभी गोल्ड जो है सोना होता है ना, सोना का इस्तेमाल कर रही है इनके जगह में, प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम की जगह में। तो समझ सकते हो कितनी ज्यादा महंगी है। एक एक कैटालिटिक कन्वर्टर का दाम लगभग 50-60 हज़ार रुपए से भी स्टार्टिंग होता है अगर मार्केट में अगर आपकी आप ढूंढने जाओगे तो आराम से कोई एक चोर अगर दो गाड़ियों से दो कैटालिटिक कन्वर्टर चोरी करता है तो वो आराम से उन दोनों को बेच के लगभग 1 लाख रुपए तक कमा सकता है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट रहता है। तो इसीलिए इन सब के अंदर जो है इंपॉर्टेंट मेटल्स रहते हैं बोल के इनका सब जो इतना चोरी होता है। अगर मतलब ये ना हो, मतलब कैटालिटिक कन्वर्टर ना हो तो फिर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, पर अगर कैटालिटिक कन्वर्टर रहता है तो फिर इसके चोरी हो रहे हैं। तो दोनों ही केस में थोड़ा सा डिमेरिट है, लेकिन हाँ टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी अगर कोई ऐसा जगह में आप रहते हो जहाँ पे थोड़ा सा सुनसान इलाका है तो वहाँ पे चोरी ज़रूर हो जाता है। तो इसलिए कैटालिटिक कन्वर्टर को थोड़ा सा बचा के देख के रखना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि उसको चोरी हो जाने से फिर आपको मोटा खर्चा आपको अपने पॉकेट से कंपनी को देना पड़ता है। तो गाइस यही था पूरा होल सिनेरियो कैटालिटिक कन्वर्टर का, नॉर्मल सा चीज है और कुछ भी नहीं, गाड़ी के पोल्यूशन को कंट्रोल करता है बस, लेकिन चोरी बहुत ज्यादा होता है। आई होप आपको समझ में आएगा, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिए, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।